नमस्कार, मैं अंबी वर्मा और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो चलिए आज की कुछ खास खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन का समय दिया था, परसों मैं तिहाड़ जेल वापस जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि इस बार ये लोग मुझे कितने दिन जेल में रखेंगे, लेकिन मेरा हौसला बुलंद है। मुझे गर्व है कि मैं देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, मुझे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। जब मैं जेल में था तो उन्होंने मुझे कई तरह से प्रताड़ित किया, उन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी। मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या चाहते थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब मैं जेल गया था तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से रिहा होने के बाद भी मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है, कई टेस्ट करवाने होंगे। मैं करीब 3 बजे सरेंडर करने के लिए अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है कि इस बार वे मुझे और प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मैं जहां भी रहूंगा, अंदर या बाहर, मैं दिल्ली का काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, मुफ्त दवाइयां, इलाज, 24 घंटे बिजली और भी बहुत सी चीजें जारी रहेंगी। और वापस आने के बाद मैं हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देना भी शुरू करूंगा। आज मैं आपसे अपने परिवार के लिए कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हैं, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे जेल में उनके बारे में बहुत चिंता होती है। मेरे बाद मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए प्रार्थना करना।